लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल मंगलवार को फिर ईडी दफ्तर में पहुंचे। मंगलवार को भी उनसे 9 घंटे तक पूछताछ की गई। इससे पहले सोमवार को उनसे 8 घंटे तक पूछताछ की गई। एयर इंडिया में हुए कथित करोड़ों रुपए के घोटाले में प्रफुल्ल पटेल से पूछताछ की गई। इस मामले में गिरफ्तार किए गए लैबस्टिक दीपक तलवार ने जांच एजेंसी को कई सबूत दिए और उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूरे दिन पूछताछ चल रही है और उसका बयान दर्ज किया गया। ईडी ने दीपक तलवार के खिलाफ चार्जशीट जारी की। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि दीपक तलवार प्रफुल्ल पटेल के काफी करीबी है और प्रफुल्ल के जरिए ही उन्होंने एयर इंडिया के जो मुनाफे वाले रूट थे वो प्राइवेट एयरलाइंस को दिलवाने में मदद की, जिस एयर इंडिया को काफी घाटा हुआ। यह दूसरी बार है जब पटेल इस मामले में वित्तीय मंत्री जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश हुए। पटेल दक्षिण दिल्ली के खान मार्केट के इलाके में ईडी मुख्यालय में पहुंचे। ईडी पहले ही एयर इंडिया के कई अधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है और तत्कालीन नागरिक उड्डयन सचिव और अन्य लोगों के बयान दर्ज किया है जो प्रक्रिया और समझौते की अंतिम रूप देने में शामिल रहे। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।